हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और सब घर पे मौज ले रहे होंगे। सो गाइस, फिलहाल अभी टाइम हो चुका है 11 और अभी जस्ट हम कॉलेज में आ रहे, क्योंकि अभी यूटी था हमारा। एक यूटी था आज, इसको था मेरा अभी था तो हम दोनों ने यूटी दे दिया। तो फिलहाल अभी हमारा प्लान नहीं है कि यूथ फेस्टिवल चल रहा है जीजू में, तो वहाँ पे चलेंगे। और एक बात और बताऊँ, 4 दिन तक ये फंक्शन गाइस फुल इन्जॉय करेंगे। ब्लॉग में एंड तक बने रहना और दिखाता हूँ क्या कुछ सीन है वहाँ पे। तो फाइनली गाइस जी तो पहुंच चुके हैं। अब की बार है ना एंट्री, बाइक की एंट्री नहीं होने दी अंदर, तो हमें पैदल जाना पड़ रहा है। ये अनुज है ना, पीछे लड़कियों से बात कर रहे हैं, देख लो। तो लड़कियों से दूर रहना चाहिए यार, डांस वाले ओडी में। बाकी मैं यहीं पर पोस्ट करूंगा। हम ये सोच रहे कि ना हम एग्जिट से चलते हैं और जल्दी एंट्री मिलेगी। एक बात और बताऊँ, आज है ना ओपन में चल रहा है, पता नहीं क्या कुछ है। वहाँ पे इतनी बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या कुछ सिस्टम है। इतनी भीड़ तो बन जाओ, पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। ऐसे लग रहे चिल्ली मारने, गला फाड़ रहे खुद का। क्या हो रखे भाई ये? अभी जा रहे ऑडिटोरियम में और बाहर की भीड़ देख कैसे लग रहा है कि ऑडिटोरियम में कुछ नहीं है। ये देखो गुप्त रोग केवल 8 दिन में ठीक। भाई ये बेचारे देख रहे हैं कि कब लाइट आएगी। जनरेटर की तार हट गई। यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, कहते ना लिफ्ट भी बंद थी। कल वाले ब्लॉग में देख रहा लिफ्ट बंद थी आ गई यूनिवर्सिटी की। क्या यार, मान लिया हमारी कॉलेज में लिफ्ट नहीं है बट बंद तो नहीं होती। इससे पहले जहाँ पे गए थे ना, तो वापस जा रहे हैं और ऐसे कह रहे थे कि डांस वगैरह भी कर रहे हैं वहाँ पे, तो देख के आते हैं दोबारा। भाई यहाँ पे कुछ करवा भी रहे हैं, ऐसे खड़े इतनी भीड़ रखी है। एक बात और, वहाँ पे ना सिर्फ सोलो परफॉर्मेंस करवा रहे हैं, तो पहले तो हमने डिसाइड किया था कि मैं और अनुज करते हैं, बट अब मैं अकेला करूँगा। तो फिर वो कह रहे थे कि 5-10 मिनट में आ जाना, अभी 3-4 बंदों करवाने, फिर उसके बाद जाएंगे। ये कह रहे हैं कि है ना हमारा नेट इसलिए नहीं चल रहा, तुम चिल्ला रहे हो। सोलो परफॉर्मेंस मैंने कर दिया और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसी लगी। और एक बात बताऊँ, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया अब, और अब तो तय है ना, फूक रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। गाइस अब जा रहे घर पे और परफॉर्मेंस सारी हो चुकी है यार, तो आज है ना सारे मतलब नाटक वगैरह ड्रामा वगैरह शो वगैरह है, परफॉर्मेंस ही हो यार, मतलब इतना ज़्यादा मजे नहीं है और लेट भी हो रहे यार। फोन की स्टोरेज चक्कर में ना ब्लॉग भी नहीं बन पाया वहाँ पे, और एक दो सीन ऐसे थे कि मैं दिखाई नहीं पाया क्योंकि फोन की स्टोरेज इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एक भी ब्लॉग शूट नहीं हो रहा था। तो फिलहाल अभी घर पे आए
और ये कहानी अभी उठा, मुझे ऐसा लग रहा है अभी उठा गया। मतलब आज तो पहले तो यही था कि रोस्ट पीट बनाएंगे, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज उमंग नहीं आएगा, तो उमंग सीधा आया स्कूल से। अभी घर पे ताला लग रखा था, ताला लगा हुआ है। मैंने सोचा कि इनके घर पे आता है। वैसे गाइस आज मेरी स्पोर्ट्स मीट थी और मैंने जीते 3 गोल्ड और 1 ब्रोंज। भाई 1 ब्रोंज क्या है, उसमें भी गोल्ड आना चाहिए था। क्यों? अरे क्या यार ये, मतलब देख लो आप, 3 गोल्ड आने बाद और 1 ब्रोंज आ रहा है। अरे पहले ब्रोंज है ना। आप तेरे को पता नहीं कहाँ पे घर पे गया? नहीं नहीं पता। ब्लॉक कर गया? सही है, घर वालों ने निकाल दिया इनडायरेक्टली। उस घर वालों को पता था अभी आने वाला उमंग, इसलिए लोग कर गए ना किसी और घर में रह लेते हैं। हाँ। देखते हैं शॉर्ट्स वीडियो बनाने का प्लान होगा या नहीं, क्योंकि फिलहाल अभी मैं घर पे आया हूँ और अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है क्योंकि फोन की चार्जिंग भी कम है। अब बनाते हैं मेन चैनल की वीडियो और अभी टाइम हो चुका 4। तो यार एक बात और बताऊँ, अंधेरा होने वाला यार। स्क्रिप्ट तो पहले ही लिख रखी है, तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं और आज वीडियो बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल मैंने कुछ और प्लान कर रखा था कि मैं आज क्या करने वाला हूँ पूरे दिन, मतलब पूरे दिन का मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को ये करना है, बट हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। अगर एक बार के लिए मुझे दहेज में कोठी, बंगला, फॉर्चुनर, लैम्बोर्गिनी सब कुछ देना। वीडियो कंप्लीट नहीं हुई यार, बीच में छोड़नी पड़ी मेरे को, क्योंकि अंधेरा काफी ज्यादा हो गया यहाँ पे और मैं ये सोच रहा हूँ कि ना अंधेरे में बनाऊंगा वीडियो तो अच्छी नहीं बनेगी, तो पिक्सल सारे फट जाएंगे यार। तो इससे अच्छा है ना कल कॉलेज की छुट्टी मार के सुबह सबसे पहले वीडियो कंप्लीट करेंगे। और एक चीज और बताता हूँ, व्लॉग के चक्कर में ना स्टोरेज बिल्कुल ही कम है यार, सबसे पहले तो स्टोरेज वाली दिक्कत ठीक करनी पड़ेगी। तो फिलहाल व्लॉग अपलोड करते हैं और ये देखो एक चीज बता देता हूँ, एको के लिए ना मैंने ये लगा लिया कंबल, ये देखो बच्चों वाले हरकतें कर रहे हैं क्या ये। बाकी बचपन में बहुत बताता था मैं, अब तो नहीं मन करता। अब मम्मी के लिए और काम नहीं मिला क्या? ये तो कहानी के लिए है, नहीं पता किस लिए। लाइब्रेरी में छुपो के रखे थे इसलिए कि मम्मी अकेले में बताएंगे। और ये क्या है? बर्थडे का सामान। कौन लेके आया? ओ गाइस कल पियू का बर्थडे है तो उसके लिए स्पेशल व्लॉग होगा और देखते क्या कुछ है पियू के लिए। पियू को ना 12 बजे सरप्राइज करेंगे तो शायद इसीलिए है ना। मम्मी ओ भाई पटाखे वगैरह ला रखे हैं, मतलब ये वाले अभी बता दूंगा। क्या मैं बता दे? बता दूं फुल वगैरह, मतलब कल तो फुल सेलिब्रेशन होगा फिर। ओ भाई मतलब तगड़ा सेलिब्रेशन होगा। बैलून है ना छोटा वाला, नहीं है डोरेमोन का बैलून है, ये देखो छोटा बैलून नहीं है मम्मी। अरे ये देखो ये बैलून है, इसको पता नहीं कैसे बुलाया जाएगा, गिफ्ट है क्या उसके लिए? लेके कौन आया अभी ये? मैं दूंगा गिफ्ट, ये गिफ्ट मेरे लिए है, मतलब ये गिफ्ट मैं दे दूंगा पियू को और मेरे नाम का गिफ्ट होगा। गिफ्ट को नहीं है, एम कोई लगा गई है। क्यूब है मेरे मम्मी के मम्मी ऐसे कह रहे कि इसके लगाने का है। क्या लगाओगे, कहाँ पे लगाओगे? खोल के देखूं? क्या मैं खोल रहा हूँ? खुला हुआ है। कौन मारेगा भाई हमें, हमसे डरते हैं लोग, ऐसे कैसे मार देंगे? कुछ किया है हमने? कोई चोरी किया, चकारी किया? तो देखता हूँ, खोल के देखता हूँ मैं। अरे यार ये टाइट कैसे हो रखे पता नहीं। ये देखो गाइस, तो यही तो कह रहा हूँ मैं, ये बहुत ज्यादा महंगे हो गए, 120 रुपए का ये एक है, मतलब 150 का, इससे ज्यादा भी महंगे आते हैं बहुत ज्यादा। हाँ 20, हाँ पहले 20 रुपए का आता था जब हमारे टाइम में जब यूज करते थे हम, बट अब तो नहीं। और इसमें प्योर ड्रेस वगैरह शायद। वाओ कभी हमें तो नहीं दिया ऐसे गिफ्ट, हमारे बर्थडे में कभी ऐसे गिफ्ट नहीं दिया। ये देखो तो गाइस अब चलते ऊपर और काम वगैरह करते हैं यार, लैपटॉप में आज पूरे दिन काम नहीं किया। ये लाइट ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे बैठ के काम करेंगे कुर्सी पे, मतलब वो कंफर्ट जोन में आ जाती है इसलिए मैं वहाँ पे नहीं बैठता, इसलिए मैं स्पेशल कुर्सी बैठता हूँ। वैसे मैं एक बात और बता देता हूँ, काम वगैरह तो नहीं, मतलब मैं सीख रहा हूँ और वो मेरे लिए काम ही है एडिटिंग वाले, और डिजिटल मार्केटिंग भी थोड़ा बहुत कोर्स है उसका, तो उसको प्रैक्टिकल करना है। और साथ के साथ मैं अब थोड़े दिनों में ब्लॉग भी स्टार्ट करूंगा, मतलब ब्लॉग मतलब राइटिंग स्किल होती है ब्लॉग भी, तो वो सब करेंगे। जो भी अब आगे आ रहा है ना, मतलब जो भी चीज़ सीखने की है वो सारी की सारी मैं अब सीख रहा हूँ, और साथ के साथ इसी वजह से ना मैंने डेली ब्लॉग बनाने बंद कर दिए, तो काम ही कर रहा था तो बीच में ढोल वाले आ गए, देखना साइड में साथ ही ना, तो इस चक्कर में गाइस अब दोबारा काम करते हैं। तो चलिए, और फोन मम्मी मांग रहे यार। तो बस यार आज का ब्लॉग खत्म करता हूँ, होप करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।